मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी प्रिंसिपल सर ने जैसा हम लोग को कहा कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ नहीं दीजिए, आप दोनों मेरे हाथ नहीं दीजिए। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम लोगों का आज फेयरवेल पार्टी है, जो 26 तारीख को हम लोगों का लास्ट है, तो आज ही फेयरवेल पार्टी हो रहा है और हम लोग रेडी वगैरह होकर, और देखिए इधर देखिए इस लौंडे को, और बाकी इधर देखिए ये सब भी रेडी होकर निकल दिए हैं कुछ लोग। तो हम लोग चल रहे हैं अभी एसटीसी, वहाँ पर जो भी लास्ट का कुछ काम बचा है वो कंप्लीट करके आज फेयरवेल पार्टी है, और उसके बाद फिर हम लोगों को 2 दिन बाद यहाँ से स्पेयर हो जाएंगे घर के लिए। तो चलते हैं, पहले एसटीसी पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है फेयरवेल से रिलेटेड। तो आप लोगों को आज फेयरवेल का पूरा वीडियो मिलेगा, देखते हैं। तो एसटीसी के लिए निकलते हैं, और फिर हम लोग रूम से निकलते हैं और रास्ते में पहुंचते हैं कि रास्ते में हम लोगों को हाथ मिल जाता है बेर खाने को, जो रंजीत और पाठक तोड़ने जाते हैं और तोड़ कर लाते हैं। बाकी सब लोग अपना आपस में बांट कर बेर खाते हैं और फिर निकल देते हैं हम लोग कैंटीन के लिए, क्योंकि सुबह में हम लोग निकले हैं, नाश्ता वगैरह हुआ नहीं है, तो इसीलिए बेर खाते हुए हम लोग कैंटीन पहुँचते हैं काफ़ी दिन बाद। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को यहाँ मिलता है मिठाई, तो हम लोग 2-2 पीस सभी लोग मिठाई लेकर खाते हैं, और खाने के बाद फिर हम लोग निकल लेते हैं एसटीसी के लिए, जहाँ पर फेयरवेल के लिए आज है। तो सभी लोग पहुँचते हैं हम लोग एसटीसी, और एसटीसी पहुँचने के बाद काफ़ी दोस्तों से मुलाकात होती है और उनसे अपने यहाँ 1 साल का जो भी है बातचीत। और दोस्तों क्या बना लिया? स्वाद दुआ है ना? ना हमारा दुआ कुछ नहीं, अंगूर से अंगूर लास्ट के आखिर अंगूर ना करी का अंगूर है। मैंने क्या बोला? पहला गुलाब जाम करता भाई शुक्ला भाई, बस भैया आखिरी दिन बीत। फिर सभी लोग प्रेयर ख़त्म करने के बाद सभी लोग आ जाते हैं अटेंडेंस के लिए, और सब लोग बैठ कर अपना अपना अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आज कुछ काम है नहीं, तो बाहर निकल कर अपना हंसी मजाक करते हैं आपस में जो भी है, और फिर बारी बारी सब लोग अपना अपना इधर उधर करते हैं। और हमारे अमित भाई भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए। दोस्त को देखिए अपनी कलाकारी इस पास पे बनाते हुए, एक देखो फोटो मार रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। हां लिखा गया, चलो लिखा नहीं है। और हमारे कुछ दोस्त लोग यहाँ फील्ड में बैठकर धूप में अपना बातचीत कर रहे हैं, जो भी है दोस्ती का 1 साल का एक्सपीरियंस आपस में शेयर कर रहे हैं, और सभी लोग आ जाते हैं। फिर यहाँ हमारा जो स्टार्ट होने वाला है फेयरवेल पार्टी, तो उसके लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद सभी सर आते हैं एक एक करके स्टेज पर, और सब लोग आ जाते हैं, और थोड़ी देर में ही हमारे सबसे खतरनाक सर जो हैं सुजीत झा सर, उनकी एंट्री होती है, जो कि इनका खौफ सभी स्टूडेंट के अंदर बहुत ही खतरनाक है। वो एक बार जिसको बोल दें उसके बाद तो भैया पूछो मत।
तो ऐसे करके सभी लोग सर आते हैं और फिर हमारे प्रिंसिपल सर का इनवाइट किया जाता है और थोड़ी देर में ही हमारे नए प्रिंसिपल सर आते हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और एक साल का जो एक्सपीरियंस रहा है आप हमारे साथ रहे, सुख दुख जो भी सहा हमने भरसक कोशिश किया। डियर कॉलेज और प्यारे बच्चों, मैं तो मेरा भी आया हुआ बहुत दिन नहीं हुआ, यहाँ पे करीब 5 महीना हुआ और मैं रेस्ट हाउस में रहता हूँ। तो जब मैं निकलता था रेस्ट हाउस से तो मैं देखता हूँ कि मेरे अप्रेंटिस इधर उधर जहाँ तहाँ जब निकलता हूँ मुझे 2-4 अप्रेंटिस मिल जाते हैं। तो मैं सोच रहा था, मौका सोच रहा था कि नहीं, हम एक बार सबसे मिलूँ मैं, कि मेरे ही बच्चे हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, किसकी क्या परेशानी है क्या है, सीधे ला के अभी तक जो किया गया है, जो देखा गया है अभी, जो पहले ये तीन तरह का, पहले वो 1961 एक्ट का होता था अप्रेंटिस, उन लोगों को जॉब कंफर्म होता था, एक बार अगर सेलेक्ट हो गए उसको, दो ही होता था वहाँ, एक होता था मैकेनिकल अप्रेंटिस, एक होता है एक्ट अप्रेंटिस, तो जो ट्रेड अप्रेंटिस बोलते थे उस समय, तो ट्रेड अप्रेंटिस को कंफर्म था कि 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। तो धीरे धीरे उसको फिर 1973 एक्ट किया, उसमें कर दिया कि चलो वो है ऑफ है, प्रोविजनल है, होगा, हम तो कमिटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन नौकरी होती, नौकरी हो ही जाती थी, 100% को नौकरी मिलती थी। अभी थोड़ा सा उसको और रिड्यूस कर दिया अपॉर्चुनिटी को, लेकिन क्वालिटी जो है आप लोगों का अप्रेंटिस का, वो पहले से बढ़ता गया, बढ़ गया है। तो मैं तो सोचता हूँ कि आप लोग सभी कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि आप लोग सभी लाखों में चुन के आए हैं, आपके साथ जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे होंगे उनसे आप बेटर हैं, तभी सेलेक्ट होके आए हैं। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंट हो जाओ आप कि आपको रेलवे नौकरी दे या नहीं दे, लेकिन आप कॉम्पिटेंट हैं, कहीं भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी, अच्छा नौकरी पाने के लिए आपके अंदर प्रतिभा है, कैपेसिटी है, तो उसको आप लोग ये नहीं करिए। आप कभी ये नहीं सोचिए कि हमें तो रेलवे ने बुला लिया है, चलो एक साल ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, नहीं, रेलवे ने क्या दिया है आपको वो तो पता नहीं, लेकिन रेलवे को आपने बहुत दिया है। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जितना आपको सैलरी मिला है, आपको एक साल में जितना सैलरी रेलवे ने दिया है, आप लोग एक महीना में रेलवे को उससे ज़्यादा दिया है, आउटटर्न दिया है, ये जितना भी आउटटर्न निकला है 40% आउटटर्न जो है आप लोगों ने निकाला है, जितना कोच पीओएच हुआ है, इससे अच्छा है ये जो कविता सुनाएंगे, मैं अपनी तरफ से है कि आप लोग अपनी तरफ से जो आपका जो जो आप लोगों ने फेस किया है प्रॉब्लम असुविधा, फिर आप अपना 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 व्यू कुछ बताएं कि क्या कष्ट हुआ है, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसके हिसाब से, आपके आने वाले जो जब जो मैच है उसको हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एक फीडबैक सेशन की तरह कर सकते हैं। तो आपके पास 15-20 मिनट टाइम है, तो एक एक करके बच्चे उठेंगे और अपना अपना बताएंगे, उनको बताइएगा अपना, ये अपना जो अनुभव है शेयर करिए, जिसको जिसको सब कुछ ठीक लगा है ऑल राइट, जिसको अपना कहना है कुछ क्या कर सकते हैं हम, हेलो, बारी बारी से आप लोग आ सकते हैं, आइए। मेरा नाम तो पता नहीं, जिसका किसी भी फील्ड में कुछ भी अगर इंटरेस्ट है वो आके अपने जो भी इंटरेस्टेड हो। प्रिंसिपल सर के कहने पर इतनी भीड़ में से हमारा एक बब्बर से निकल कर आता है, जिसका नाम आशीष कुमार गौतम, जो कि अपने दो शब्द सबके सामने रखता है।
प्राचार्य प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जीवन में सबसे सफलताएं असफलताएं आती हैं, और सफलता की इतनी लोड ना ले कि असफल हो जाए तो परेशानी दिक्कत हो उसे उभर ना पाए। उसी पे दो पंक्तियां हैं, कभी कभी जीवन में असफल होना भी भविष्य में सफल होने के लिए जरूरी होता है। कोशिश पूरी करेंगे सफलता मिल गई तो बढ़िया है, वरना क्यों डरे। जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हमारे दोस्त का स्पीच खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है हमारे गुरुजन को सम्मानित करना, जो यहाँ असम में होता है गमछा देकर लोगों को सम्मानित करना और विदा करना। तो सबसे पहले हमारे जो अप्रेंटिस दोस्त लोग सर लोगों के लिए गमछा और अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह लेकर आए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे प्रिंसिपल सर को सम्मानित किया जाता है। फिर उसके बाद सभी टीचरों को, जो हमारे बैच की लड़कियां हैं, उनको सर लोगों को गमछा और जो हमारे तरफ से छोटा सा गिफ्ट है बारी बारी से सभी टीचरों को देकर सम्मानित करती हैं। सुजीत झा कहीं भूल गए, इससे पूछ रहा हूँ कि कौन तुम बच गए। सुजीत झा जी, उनके सम्मान के लिए और फिर लास्ट में हमारे कुछ दोस्त वो लोग भी आकर स्टेज पे कुछ दो शब्द बोलना चाह रहे थे, तो वो लोग भी बारी बारी से आकर कुछ बोलते हैं। तैयार रहिएगा आप लोग जो हैं बैठे हुए आगे लड़कियां लोग, उनमें से कुछ तैयार रहिएगा। इसके बाद अभी प्रिंसिपल सर ने जैसा हम लोग को कहा कि मतलब हम लोग का कार्य अनुभव वर्कशॉप में या यहाँ पे कैसा रहा, तो सर को मतलब या सबको बहुत अच्छा रहा हम लोग का कार्य अनुभव। और यहाँ के जो टीचर हैं या वर्कशॉप के मतलब जो भी SSP IC और वहाँ के जो भी मतलब मेंबर थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मतलब वहाँ पे भी हम लोग का काफ़ी हेल्प हुआ है सर। यहाँ पे भी हम लोग आते थे या कोई कंप्लेन वहाँ से होता था तो मतलब पूरा हेल्प मिलता था, तो इसलिए आप लोग को सब थैंक यू सर। और एक मेरी मतलब पंक्ति है उसको सुनना चाहेंगे। सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पाना चाहते हैं। मौका मिले तो सर, हाँ आपका नाम बताइए। रोहित खड़ा है तो मेरा नाम रोहित कुमार प्रसाद है और मैं निगवाई का रहने वाला हूँ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जी मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि पहले मैं BTC में यहाँ पे आया ज्वाइनिंग करने के लिए, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा ज्वाइनिंग होगा EWS वर्कशॉप में। तो मेरे EWS वर्कशॉप का टाइमिंग था 7:00 से 4 PM तक, जिसमें बीच में 2 घंटे का लंच टाइम होता था। और शुरू में लगा भी था कि EWS में बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि ब्रिज वर्कशॉप है, तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। और वहाँ के SSC सर थे मंटू बसुमतारी, वो बहुत ही अच्छे थे। हम लोग काम अगर करते भी तो वो बोलते थे सिर्फ काम सीखो, करना ज़रूरी नहीं है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सीखना ज़रूरी है, सीखना कुछ भी है दुनिया में आदमी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सेक्टर में चल जाइए, अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैं लाइन बोलूँगा, दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है यहाँ आना जाना, रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता है आपका ही तराना। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप सबको भी पता है कोई भी प्रोग्राम होता है तो लास्ट में क्या मिलता है, तो ये सभी लोग उसी चीज़ के लिए चेयर पर बैठे हैं और फिर लाइन से लग कर जा एक एक करके अपनी अपनी मिठाइयाँ लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और लाइन में मैं भी लग जाता हूँ अपना मिठाई लेने के लिए। फिर थोड़ी देर में मेरा बारी आता है और मैं भी मिठाई लेकर चल लेता हूँ बाहर की तरफ। आप मेरे हाथ नहीं लीजिए, आप दोनों मेरे हाथ नहीं। मेरे सभी दोस्त अपना अपना मिठाई लेकर समोसा और मिठाई पाकर इतने खुश हैं बच्चे। और इसी तरह से हम लोग भी मिठाई खाकर और एक दूसरे से बातचीत करके अपने अपने रूम के लिए थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करेंगे वीडियो को देखकर, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें।